हमारा जो मन है ना वो बहुत अशांत रहता है। कुछ भी करना है उसके लिए आपका मन का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक उपाय बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी के लिए, आपका मन जैसे ही शांत होगा आप फोकस कर पाओगे। कैसे? कोई भी शूटर होता है जब तक वो फोकस नहीं करता उसका टारगेट अचीव नहीं होगा। आप देखिए कुछ ही टाइम में वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। आओ करें बातें जो है घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें। यस शिल्पा बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपकी जो सजेशंस सुनती हूँ, आपसे एडवाइस लिए हैं, मेरा डिप्रेशन वो जो ऐसी नेगेटिव थॉट्स आती थी इतनी कम हो गई है ना। सो वंडरफुल, इतनी एनर्जेटिक फील करती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि बिल्कुल 10 साल पुरानी वाली शिल्पा वापस आ गई है। आई एम सो ग्रेटफुल। और इसी चक्कर में ये सारी इन्हें लगता रहता है मेरी फ्रेंड्स को, तू कैसे इतनी चर्पी इतनी हैप्पी हो गई है, हमें भी मिलना है, हमें भी मिलना है सर से। आज मैंने बुलवा लिया है, चलो पूछो, इतने क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे पास। सर मैंने ना लोगों के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी है, तो मुझे भी ना प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो आप बताइए ना उसका कोई उपाय कि कैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, नाम हो, फेम हो मेरा। हम एक चीज को पकड़ते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बिकॉज मेरा मानना है घर हर किसी के पास होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे पास घर है तो घर के साथ साथ आप उसमें ग्रो कर सकते हो, उसमें आप अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो देखो सबसे पहले ना अपने अंदर के सबकॉन्शियस को आपने कंट्रोल करना है। हमारा जो मन है ना वो बहुत अशांत रहता है। कुछ भी करना है उसके लिए आपका मन का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक उपाय बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी के लिए, खास तौर से प्रॉपर्टी के लिए आपको ईस्ट फेस करना है। ईस्ट जानते हैं ना किसकी दिशा है? सूर्य की, भगवान सूर्य की दिशा है। और भगवान राम ने किसका सहारा लिया था रावण की तरफ जाने के लिए? सूर्य भगवान की अर्चना करी थी, उनकी अर्चना करी थी। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा था। तो आप अगर इस दिशा की तरफ फेस करेंगे, ईस्ट, ईस्ट भगवान इंद्र की भी दिशा है, और भगवान इंद्र तो हर चीज ऐश्वर्य के मालिक हैं। उनके तो महल माने जाते थे अपने समय में कि बहुत ही अच्छा है। और आपका तो नाम उर्वशी है मेरे ख्याल से, सो यू एटलीस्ट हैव द राइट टू हैव अ गुड प्रॉपर्टी, राइट? यू नो, तो ईस्ट फेस करो उर्वशी, और कोशिश करो कि आपके पास कोई ना कोई लेदर या वुड की प्रोडक्ट हो, आइटम हो, जिसपे आपके पैर हो या आपके हाथ में हो, और आप मेडिटेट करो। इट्स अ सॉर्ट ऑफ कि मन को शांत करना है, कुछ डीप ब्रेथ लेनी है आपको। आपका मन जैसे ही शांत होगा आप फोकस कर पाओगे। कैसे? कोई भी शूटर होता है जब तक वो फोकस नहीं करता उसका टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर हम वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो मन का फोकस बहुत ज़रूरी, ईस्ट फेसिंग, आपका बैठने का एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, आयरन एंड स्टील नहीं होना चाहिए, और आप विजुअलाइज करो कि आप एक प्रॉपर्टी में हो और वो प्रॉपर्टी आपकी है, उसके पेपर्स आपने रखे हुए हैं, उस प्रॉपर्टी में आपकी फैमिली है, प्रॉपर्टी में गाड़ी है, प्रॉपर्टी में गार्डन है। आप देखिए कुछ ही टाइम में वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। उर्वशी का संसार तो बस बिल्कुल उर्वशी का संसार बसा हुआ है और बढ़िया से बस जाएगा। तो मेन पर्पस है हमारा कि आपकी विश को फुलफिल करना है प्रॉपर्टी को। तो वो कैसे बनेगी मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ दो और बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको एक रीकैप लेते हैं, ईस्ट फेस करना है, ईस्ट फेस करने के बाद अपने मन को शांत करना है, डीप ब्रेथ लेनी है, प्रॉपर्टी को विजुअलाइज करना है। ये नहीं कि प्रॉपर्टी आएगी, मैं जाऊंगी, मैं लूंगी, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, इतना लेंदी नहीं। आप प्रॉपर्टी में हो, यू फील द प्रॉपर्टी, जैसे कि वो मिल चुका है। सो व्हाटएवर यू फील, इट्स इन द एयर अराउंड योर ऑरा,
वो आपके आसपास है, जैसे सुगंध आती है ना तो हमारे मुंह में एक टेस्ट आता है जी। तो वो प्रॉपर्टी का टेस्ट लेके आना है अपने पास, और फिर उसके साथ साथ आप भगवान शनि और भगवान मंगल दोनों की आराधना करो। साउथ की दीवार हैवी करो, साउथ पे लाल रंग करवाओ, मंगलवार के दिन थोड़ा सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, सैटरडे को भगवान शनि को प्रसन्न करो, आप हैंडीकैप्ट की सेवा करो, प्लीज करो, सेल्फलेस सर्विस करो। आई थिंक कि विश कंप्लीट हो जाएगी। यस मैं एक क्वेश्चन पूछना था, बताइए नेगेटिविटी एनर्जी को कैसे भगाए। आओ करें बातें जो है घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें।